अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुश्तबा के घर आया हूँ और मैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुश्तबा के घर आया हूँ और ये चाचू मेरे पीछे पड़ रहे हैं और मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ और चाचू मुझे मार रहा है और चाचू मेरे आगे आगे आ रहे हैं और मैं उनसे पीछे पीछे जा रही हूँ और चाचू मेरे बहुत तेज बारिश हो रही है हमारे पास आज, ये आप देख सकते हैं। ये बारिश हम इधर बैठे हुए हैं, ये मुश्तबा इधर है। कैसे हैं? ठीक ठाक है। आज हमारे पास बहुत तेज हो रही है बारिश। इसे बारिश का पानी दे। तो कैसे दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? हाँ ठीक है। और आज मैं आपको एक जंगल की कहानी सुनाऊंगा। एक दुनिया में बाछी और रानी नाचते और गुड्डा की तरह भागते और नाचते और खोता की तरह खोते खाते और खुद फोसियां बनाते और थोड़े से लित्तर भी खा सकते हैं तो खा लो लित्तर, और या लित्तर नहीं खा सकते तो ना खाओ, तो मेरे मुंह पे क्या चीज है? आगे कर अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं रजा हूँ और मैं ना आपको एक अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक जंगल में राजा और रानी रहते थे और राजा और रानी का नाम था मलिका और जादूगर, और मलिका और जादूगर हर वक्त सब लोगों को मारते और खा जाते हैं, हर जानवर को और हर वक्त और सारे जंगल का सब कुछ खा जाते हैं, उनके घरों में जाते हैं और सारा कुछ चुरा के भाग जाते हैं और पूरी दुनिया पे राज करने लग पड़ते हैं। और एक दिन रात को एक तूफानी तूफान है जिससे तूफानी तूफान से पूरी दुनिया टूट गई और उन राजा और रानी रात रात को ये मेरा भाई आ गया, इसको कैमरे में दिखाओ इधर। जैन मेरा भाई आ गया, जैन देखो कैमरे में देखो, बोलो क्या पढ़ना है? छोटा भाई हो, छोटा भाई।